गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइस, जैसे कि आज आप लोगों को मालूम है, आज का जो इंटरव्यू है वो सैंडी आचार्य के साथ में आज का इंटरव्यू है। बस हम उनका वेट कर रहे हैं, देखते हैं सैंडी भाई हमारे साथ में कब जुड़ते हैं। एक बहुत ही बड़ा नाम देखिएगा टेनिस क्रिकेट में, बॉक्स क्रिकेट में, सैंडी आचार्य, उनके साथ में आज हम जुड़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे उनको, सैंडी को। आज हम देखते हैं सैंडी हमारे साथ में कब जुड़ते हैं। ओके गाइस, तो ये है सैंडी आचार्य। सैंडी भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया भाई। तो ये इंटरव्यू स्टार्ट करने के पहले गाइस, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। बॉक्स क्रिकेट होने दीजिए, टेनिस क्रिकेट होने दीजिए, कोई भी फॉर्म क्रिकेट का होने दीजिए, सैंडी भाई का वहाँ पे हर जगह अपना ही एक वर्चस्व है, अपना ही एक नाम है। सैंडी भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही कि मीन्स आप क्रिकेट में कैसा है, क्रिकेट को ही चूज क्यों किया, क्योंकि इतने सारे आउटडोर गेम्स है, क्रिकेट ही क्यों मीन्स आपके लाइफ में ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस रखता है? एक्चुअली बचपन से एक्चुअली क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। घर में भी पापा वापा सब क्रिकेट ही देखते थे टीवी में, तो वो लाइन ऐसा हो गया कि पापा ही देखते थे तो फिर मैं भी देखना चालू किया। तो मैंने सोचा करके चलो क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, तो बचपन से क्रिकेट का ही शौक था। बस बाकी और कौन सा गेम में शौक है ये नहीं था मुझे। ओके, अब देखिए मीन्स आपने बॉक्स क्रिकेट में भी एक अपना नाम किया, एक आपका नाम है बॉक्स क्रिकेट में भी, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो। एक टेनिस क्रिकेट में भी आपका एक अलग ही नाम है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? बॉक्स और टेनिस मीन्स दोनों में से सबसे ज्यादा खेलने आपको कौन सा क्रिकेट मजा आता है? एक्चुअली मुझे क्रिकेट खेलना पसंद आता है, तो कौन सा भी क्रिकेट हो, या ओवरम हो या बॉक्स हो, क्रिकेट खेलना पसंद है मुझे। बाकी वो कौन सा भी फॉर्मेट हो, ओवरम हो, बॉक्स हो, टर्फ हो, कोई भी कौन सा भी क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है बस। और ओके, देखिए मीन्स जितने भी जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, मीन्स टेनिस क्रिकेट की बात होने दीजिए, बॉक्स क्रिकेट की बात होने दीजिए, सब स्टार्स के साथ में आपने खेला हुआ है, तो कितना डिफिकल्ट होता है एक मीन्स नए प्लेयर के लिए मीन्स एक डेब्यू करना, स्टार के साथ में डेब्यू करके स्टार लोगों के साथ में खेलना? कुछ नर्वसनेस रहती है कि मीन्स अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं मैच के बाहर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नर्वसनेस रहती है? रहता है, बहुत रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेब्यू करना और वो भी लेजेंड प्लेयर लोग के सामने खेलना बोले तो नर्वसनेस रहता है। बट लेजेंड प्लेयर भी ऐसे है कि सामने से प्रोत्साहन दे दे करके, नहीं आप खेलिए, टेंशन मत लीजिए, चलेगा, आपका पहला मैच है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप खेलिए। तो ऐसे सामने से कोई लेजेंड प्लेयर को बोलता तो बहुत अच्छा लगता है आप खेलने के लिए। देखिए मीन्स बॉक्स क्रिकेट में आपने मीन्स बहुत ही अच्छे से टूर्नामेंट्स खेला, आपको मीन्स हमेशा आप कैप्टन के प्रायोरिटी पे रहते हो, तो वो कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, मीन्स कैसा फील होता है कैप्टन की प्रायोरिटी पे रहना? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं पहले थाने में खेलता था, थाने में एक टीम था फ्रंटस्ट्रोक करके, उनके कैप्टन जीतू जितेंद्र वही थी जो हमारे कैप्टन थे, उनका भी भरोसा बहुत मेरे ऊपर था जब मैंने चालू किया था। 3-4 साल मैंने फ्रंटस्ट्रोक में खेला है, उसके बाद में जो स्टार्ट हुआ असलपा पैकर में खेलना बॉक्स क्रिकेट में, जो सचिन राणे का मेरे ऊपर जो ट्रस्ट है वो आज तक वैसे ही है जैसा पहले था, वैसे आज भी है। और बहुत अच्छा लगता है कि बाकी प्लेयर लोग को भी देते हैं और मुझे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, सब प्लेयर लोग को प्रायोरिटी उतना ही देते हैं वो कैप्टन्स मेरे। जैसे कि सभी आपने बताया असलफा में आप खेलते थे, और बॉम्बे साइड में अगर असलफा बोले तो एक ब्रांड, असलफा टीम ही एक ब्रांड है पूरी टीम, क्योंकि वो टीम में जितने जो स्टार लोग, जितने सितारे वो टीम में खेलते, तो कैसा फील हुआ आपको मीन्स वो टीम में खेल के? फर्स्ट टाइम तो मुझे डर लग रहा था खेलने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी टीम थी, क्योंकि सब लेजेंड प्लेयर थे, और मेन बोले तो दीपक भाई, वो लेजेंड प्लेयर है, तो वो मेरे साथ में खेल रहा था, तो मेरे को डर तो बहुत ही लग रहा था, मगर सब प्लेयर बोल रहे थे डर मत बिंदास खेल, जो तेरा गेम है वो खेल, तो नर्वनेस था, बहुत नर्वनेस था, मगर क्या सबने मुझे बोला खेल, तेरा जो गेम है वही खेल, तो उसके वजह से डर पूरा हट गया मेरा। ओके, तो बेसिकली मीन जब बड़ा एक प्लेयर सपोर्ट करता है तो फिर वो नर्वसनेस हट जाता है, वो सारी चीजें हट जाता है। ओके, क्वेश्चंस को आगे लेकर बढ़ते हैं। मीन्स जैसे आप मीन्स जब टेनिस क्रिकेट जब खेलना चालू किया, आपने बॉक्स क्रिकेट खेला, तो कभी ऐसा हुआ है कि मीन्स दोनों मैच एक ही दिन में क्लैश हो गया हो, मीन्स टेनिस का मैच सेम ही डे पे हो, बॉक्स का मैच सेम डे पे हो, तो फिर आपने मीन्स अभी कभी मीन्स ऐसा किया साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को बैलेंस किया हो आपने? किया हूँ, बहुत बार कैसा होता है तो दोनों अच्छा टूर्नामेंट एक ही दिन में आ जाता है, और प्रॉब्लम हो जाता है एक ही टाइम पे मैच आ जाता, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था मेरे को, तो ज़्यादा मैं पहले ओवरम ही खेलता था, तो ओवरम में कैसा मुझे एक्चुअली जाना पड़ता था, क्योंकि मैं प्रोफेशनली खेल रहा था तभी क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट, तो उसमें ज़्यादा मुझे ओवरम का ही टाइम देना पड़ता था मुझे,
सचिन रहने बहुत एडजस्टमेंट है, कैसा अगर कुछ भी होता है, कुछ भी अगर मैच का कुछ भी होता है तो झट से यहाँ आ जाना। तो कैसा मैच का कुछ भी रिजल्ट होता तो फिर अगर हो गया, दो मैच जीत गया तो फिर कैसा, फिर मैं कैप्टन को बोल के, मेरे कैप्टन को, मेरा ओवरम का कैप्टन भी सचिन कदम है और बॉक्स के आइटम में सचिन राणे, तो उनको पूछ के मैं चले जाता था, बोलता था मेरा ऐसा सा मैच है मुझे जाना पड़ेगा, तो वो भी एकदम बोलते थे यार तू, तेरा अच्छा मैच है तू चले जा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि एकदम सचिन राणे और सचिन कदम इन दोनों ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा संभाला है, इनका सपोर्ट किया आपके हाँ साथ सपोर्ट में। किया है मुझे, हाँ ये चीज के लिए। देखिए हम एक फैमिली जो बैकअप होता है, फैमिली सपोर्ट होता है कोई भी प्लेयर के लिए, टेनिस प्लेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट। टेनिस का मैं सीजन क्रिकेटर्स के लिए भी फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो फैमिली वाले अलाउ करते तभी जाके एक प्लेयर जाके फिर क्रिकेट खेलता है। क्योंकि बॉक्स क्रिकेट मोस्टली देखिएगा कंपेयर टू अभी रात में ही ज्यादा होता बॉक्स क्रिकेट, फैमिली तो फैमिली सपोर्ट कितना है आपको? सपोर्ट मेरा बहुत है, क्योंकि मैं एक्चुअली बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ और स्कूल टाइम से मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, तो मुझे मेरे जो भी घर के मेरे भाई बहन, मम्मी मम्मी डैडी, ये सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं लेट लेट नाइट तक आता था, कभी कभी सुबह 3 3 4 4 बजे, 5 5 बजे, कभी कभी 7 बजे भी आ चुका हूँ। तो मम्मी बोलती थी घर के, इतना रात को क्या करता है, तो मैं बोला मम्मी मैच खेलता हूँ, क्योंकि तभी कैसा होता था, तभी यूट्यूब लाइव कुछ नहीं था, तो कोई देख भी नहीं पाता था तभी, तो फिर लगता था कि मम्मी को करके, हाँ चल क्रिकेट खेल रहा है, बोले वो क्रिकेट ही खेल रहा है ना, बाकी कुछ कुछ कर नहीं रहा ना, मैं बोला क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, फिर मैच को लेट हो जाता तो फिर मुझे टाइम होता, और वो टाइम पे कैसा मेरे पास बाइक भी कुछ नहीं था, तो ट्रैवल बहुत, यानी कि ट्रैवल बहुत ये होता था मुझे ट्रैवलिंग करना, तो यहाँ से घाटकोपर, CST, दादर, और यहाँ से फिर बदलापुर, बदलापुर बहुत जगह बॉक्स का मैच खेलने जाता, तो डिफिकल्ट होता था मुझे ट्रैवलिंग करना, तो अगर एक बार अगर मैं चले गया, निकल गया, तो सुबह सीधा 5 6 बजे ही घर पे आने का, ऐसा होता था। तो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि मम्मी मम्मी पापा कोई कुछ कुछ नहीं बोलते थे मुझे ये चीज के लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज है। मीन्स एक प्लेयर के लिए अगर फैमिली सपोर्ट है तो क्वेश्चंस को आगे लेके बढ़ते। देखिए हम इस एक प्लेयर के लिए, मीन्स जैसे अभी बीच में वर्सोवा के एक प्लेयर आए थे आतिश का पाटिल, उन्होंने मीन्स बताया बहुत ही अच्छा उनका गेम है, लेकिन उन्होंने बताया कि मीन्स प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ साथ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ा। तो मेरा क्वेश्चन उसी के ऊपर है कि कितना डिफिकल्ट होता है एक प्लेयर के लिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करके चलना। बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको अभी 3 साल हो गया मेरे शादी होने, शादी शादी हो के, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शादी के पहले कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं रहता है, कि आप फ्री रहते हो, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट तो पहले से था, बट वाइफ आने के बाद और बच्चे हो जाने के बाद तो ज़रा बहुत तो ये होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये भी करना वो भी करना, जब फैमिली के वाइफ को भी संभालना, बच्चे को भी संभालना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, कि किसी ना किसी को क्विट करना पड़ता है, बट मेरी वाइफ ऐसी है कि नहीं आप खेलो, आपका क्रिकेट लाइफ है आप खेलो, मुझे कभी रोका नहीं, उन्होंने भी कभी मुझे रोका नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, आपका उनको पता है, पहले से पता है कि मैं क्रिकेट क्रिकेट ही खेलता हूँ और बाकी और कुछ नहीं, तो बहुत सपोर्टिव है वो भी मेरे लिए, कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है जो मुझे सपोर्ट कर दी ये चीज के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चंस को लेकर। देखिए हम सभी जो टर्फ क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा बूम है मार्केट में, टर्फ क्रिकेट का, टर्फ क्रिकेट बहुत चल रहा है कंपेयर टू पर्दा बॉक्स क्रिकेट। और जब आपके टाइम पे आपको एक 20 एक साल का कुछ एक्सपीरियंस है, मीन्स आप तभी पर्दा बॉक्स ज्यादा चलता था, अभी कंपेरेटिवली टर्फ बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएंगे कि पर्दा बॉक्स क्रिकेट कम क्यों हो गया अभी कंपेयर टू टर्फ क्रिकेट? सॉरी सॉरी आवाज नहीं आपका, पर्दा बॉक्स क्रिकेट जो है वो कम क्यों हो गया कंपेयर टू टर्फ क्रिकेट? टर्फ क्रिकेट बहुत ज्यादा है, मीन्स कंपेरेटिवली ज्यादा चल रहा है पर्दे से। एक्चुअली क्या हो गया अभी, मिट्टी का क्रिकेट, मिट्टी का क्रिकेट बोलते हैं पर्दा बॉक्स को एग्जैक्टली या कुछ पर्दा भी बॉक्स। बोलते, हाँ हाँ उसको मिट्टी का क्रिकेट बोलते, मिट्टी का क्रिकेट कम हुआ नहीं है, बट कैसा टर्फ क्रिकेट में एक्चुअली प्राइस मनी बहुत ज्यादा होने लग गया और टूर्नामेंट्स भी बहुत ज्यादा होने लग गए, और कैसा क्विक एकदम और डिसिप्लिन टूर्नामेंट होता है सब, जो भी टर्फ का टूर्नामेंट होता है डिसिप्लिन होता है, और मिट्टी के क्रिकेट में क्या होता है प्रॉब्लम ऐसा होता है कि टूर्नामेंट का टाइम रहता 8 बजे का, बट मैचेस चालू होता है 10 बजे, और दस टर्फ बजे क्रिकेट, और टर्फ क्रिकेट का ऐसा है कि आपको 8 बजे बोला है, तो 8 बजे, 8 तो नहीं मगर 8:05 को तो आपका मैच चालू हो जाएगा, यानी कि टाइम टू चालू। टाइम एकदम
टर्फ क्रिकेट एकदम टाइम टू टाइम हो चुका, तो इसके वजह से सब क्रिकेट पर्दा क्रिकेट बॉक्स मट्टी क्रिकेट और टर्फ क्रिकेट में बहुत फर्क है। ये प्रॉब्लम है कि ये क्रिकेट कम होते जा रहे हैं मिट्टी का, ओके ओके और गिने चुने टूर्नामेंट होते हैं खाली बस मिट्टी के, मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा। यस तो यस मोस्टली पहले पहले जैसे होते थे वैसे सैटरडे संडे को वैसे टूर्नामेंट होते नहीं है। पहले अगर रहता तो एक मिट्टी के क्रिकेट में कम से कम 10-15 टूर्नामेंट तो मुंबई में रहता ही था, सब रहता ही अलग था। अलग जगह पर रहता था। बट अभी आज की तारीख में सब कम होते जा रहे हैं, सब टूर्नामेंट कम होते हैं, ये टूर्नामेंट बंद हो रहा है, वो टूर्नामेंट बंद हो रहा है। बट टर्फ क्रिकेट का था, टर्फ क्रिकेट का जो टाइम बोलते हैं वो परफेक्ट टाइम है, सब एकदम आना ही है, 8 बजे चालू होना तो 8 बजे चालू होना ही है उसके, इसलिए उसको ज्यादा ये मिल रहा है, ग्लैमर मिल रहा है टर्फ क्रिकेट को, ओके और एग्जैक्टली, प्लेयर लोग भी सब उसके ही पीछे जा रहे हैं, सब टर्फ क्रिकेट के नो ही डाउट पीछे नो डाउट एकदम। नो डाउट। और प्राइज मनी भी है, पंचुअलिटी भी हाँ है, साथ में सब सब प्रोफेशनल एक गेम भी है, बाद में शूज और हाँ वगैरह भी कंपलसरी वहां पे किया हुआ है, बहुत सारी चीजें। सब 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 जी। तो देखिए देखिए, आई मीन्स टेनिस क्रिकेट में आपका मेमोरेबल इनिंग कौन सा, अगर टेनिस क्रिकेट की बात करें, आई मीन्स बहुत बड़े बड़े लेवल का आपने खेला हुआ है, मैंने हाल ही में एक फोटो भेजा, टेनपीएल भी आपने खेला हुआ है, तो वो कुछ बताएंगे, टेंथ में आपकी एंट्री कैसी, और ये साल का आप टेंथ क्यों नहीं खेल पाए? एक्चुअली जब 2016 टेनपीएल सीजन 1 था, उसके पहले मैं मेरी टीम शिव शक्ति पाले में खेलता था। तो शिव शक्ति पाले में कैसा, अगर हमारी एंट्री नहीं हुई तो मैं उमर 11 में खेलता था ज्यादा करके, उमर उमर 11 का टूर भी करने का, उमर 11 के टूर पे जाने का सब जगह। तो हकीम भाई और उमर भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक बार बोला करके हम हमें शायद से एक इंटरनेशनल टूर करना है, दुबई करना है, दुबई टूर करना है उनके। तो हकीम भाई ने बोला पासपोर्ट को बना ले, दुबई कभी भी जाना होगा हमको। तो मैंने पासपोर्ट बनाया और 2014 या 15 में मैंने पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट बनाने के बाद हकीम भाई ने मुझे मैसेज किया, बोला करके दुबई जाना है अपने को 10 PL खेलने के लिए, तो रेडी रहना। तो वही हकीम भाई और उमर भाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा ये चीज़ के लिए कि उनके 15 के स्क्वाड में मुझे रखा, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हकीम भाई और उमर भाई के, क्योंकि उन्होंने वो 15 के स्क्वाड में रखा बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, आई मीन्स अभी हाल ही में जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, अभी हाल ही में टेनपीएल भी हुआ, तो वो टेनपीएल आप क्यों नहीं खेल पाए, मीन्स क्रिकेट से आप थोड़ा दूर हो गए कि कुछ ऐसा हुआ कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ आपका, कुछ बताएंगे नहीं व्यूअर्स हम? एक्चुअली कैसा है, फॉर्म फॉर्म चाहिए। ये जो लास्ट दो हाँ ये 2-3 साल जो लास्ट 2-3 साल हो गया उसमें जरा मेरा फॉर्म जरा गिरते हुए जा रहा है, तो फॉर्म के वजह से भी मुझे शायद से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और कैसे अभी यूट्यूब लाइव हो गया है तो सब एक्चुअली मैचेस देखते रहते हैं, तो यूट्यूब लाइव की वजह से सब मैचेस देखते रहते, तो सबको यूट्यूब लाइव वाले यानी कि जो बैट्समैन अच्छा खेलेगा उनको ही बुलाते हैं लोग, और स्पॉन्सर को भी वही चाहिए रहता है, तो वैसा वैसा क्रिकेट हो गया आजकल। ओके देखिए, मीन्स बहुत सारे मीन्स प्लेयर्स ने जो इंटरव्यू मुझे दिया, मीन्स तो बोलते हैं कि जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, वैसे टेनिस क्रिकेट में भी नेपोटिज्म होता है, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा होता है, अगर ये मेरा फेवरेट प्लेयर है तो उसको चांस ज्यादा देते कंपेयर टू जो परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली टीम में हर टीम में एक ही ऐसा रहता है कि जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, नेपोटिज्म का बात ये है रहता है किस किसी भी टीम में रहेगा, बट मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जो अच्छा खेलेगा वही 11 में रहेगा, क्योंकि अभी मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे को खेल के मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर 10 मैच खेलूँ 10 मैच में से अगर मैंने 9 मैच 0 किए तो फिर वो दूसरे प्लेयर के लिए ये हो जाएगा ना कि अरे वो तो 9 मैच नहीं कर रहा है और मैंने 2 मैच खेला हूँ 2 मैच किया हूँ तो मुझे क्यों नहीं टीम दे रहा। तो होता है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने, प्लेयर लोग को भी समझना चाहिए कि क्यों नहीं ले रहे इन टीम, तो ऐसा होता है सबके साथ होता है, बैड पैच सबका आता है, सबको ये होता है, वो ऐसा नहीं कि हर साल वही खेलेगा, वो ये प्लेयर खेलेगा वो प्लेयर खेलेगा, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। टीम टीम का जो कॉम्बिनेशन वो एकदम बोलते हैं ना अच्छे से रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं सर, टीम संभालना चाहिए। अभी ये ऐसा बैड पैच में भी मेरी टीम मुझे संभाल रही है, तो उसके लिए मैं मेरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि ये जो SP टीम है उसमें मैं बैड पैच में भी मुझे इन टीम खिलाते हैं और बाहर बिठाते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, मुझे बाहर बैठने का ये भी कुछ ये नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्रिकेट मैंने स्टार्ट ही बैठने से स्टार्ट किया, कौन सा भी बड़ा प्लेयर हो कोई भी हो बाहर बैठ के स्टार्ट किया उसने क्रिकेट, तो मुझे कुछ बोलने के लिए ये नहीं है कि मैं बाहर बैठ के ये करता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है कुछ ऐसा। ओके,
जी सी मीन्स आपने बताया कि मीन्स प्लेयर को मीन्स कंसिस्टेंट परफॉर्म करना चाहिए तो ही उसकी जगह टीम में बनती है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर का ऐसा भी कहना है कि मीन्स वो फेवरेटिज्म होता है और कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्रिकेट खेलने जाओ तो अगर आपके कांटेक्ट अच्छे लेवल पे है तो आप बहुत ही जल्दी 10 PL में भी दिख जाओगे, बहुत ही जल्दी इंडिया पाकिस्तान में भी दिख जाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करके भी वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आप पहुंच पाए। उसके बारे में कुछ बताएंगे, वो सारी चीजें क्लियर कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि वैसा है या नहीं है एग्जैक्टली। होता है, बहुत करते, बहुत जन करते हैं। अभी आपने बोला फेवरेटिज्म, वो होता ही है। कभी जो जिसका खास रहेगा वो उसको लेके जाता है, ऐसा बहुत बहुत सारे ऐसे है। बट तभी वो उनका लुकआउट है, वो उनको लेके जाना है, क्योंकि उनको भी आगे बोलना पड़ता है ना कि क्या है क्या नहीं, तो ऐसा रहता है वो। तो यहाँ से सैंडी जी हमें बता रहे कि मीन्स फेवरेटिज्म होता है और टेनिस क्रिकेट में भी होता है। सैंडी जी क्वेश्चंस को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा आप आंसर दे रहे। जब आपने मीन्स जब आप गए दुबई जब खेलने के लिए मीन्स 10 PL खेलने के लिए, तो इनडायरेक्टली देखिए आप इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कुछ प्रेशर आपको लगा कि मीन्स मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो वापस इंडिया वापस जाना है मुझे, क्योंकि बहुत ही प्रेशर था एक बड़ा टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पर अगर एक इंडियन प्लेयर जा रहा है खेलने के लिए, वो भी टेनिस क्रिकेट, तो कुछ वो सारी चीजें हमें शेयर करेंगे। प्रेशर तो था ही, क्योंकि मैं गया था उमर 11 में खेली, और मेरे टीम में लेजेंड प्लेयर थे, श्रेयस तेंदुलकर, बाद में प्रथमेश पवार, योगेश पवार, उमर खान, हाँ उमर खान थे, बाद में गेशु शेख थे, अपने प्रनील मोरे थे, यानी कि सब, रवि लिंगाला, बहुत यानी सब दिग्गज प्लेयर ही सब थे। लेजेंड लोग थे। तो हाँ, सब लेजेंड लोग ही थे। तो उसमें एक्चुअली खेलना बोले तो मैं एक ही मैच खेला था, नर्वस बहुत था, क्योंकि फर्स्ट टाइम खेल रहा था, और उसमें भी शायद सिर्फ पहली बॉल पे ही आउट हो गया मैं, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। उसके बाद में फिर मुझे चांस नहीं मिला खेलने। देखिए मीन्स टेनिस क्रिकेट की आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी, जो कि मीन्स आप कभी भी लाइफ में भूलना नहीं चाहेंगे। एक टूर था, वो मैं हर इंटरव्यू को बोलता हूँ, एक टूर था, कुड़ाल का टूर था, वो एक इनिंग था जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मयूर स्पोर्ट्स के टीम में मैं गया था खेलने के लिए, और कोल्हापुर की सबसे बड़ी टीम, उनको हराया था हमने। वो एक टूर्नामेंट और वो मेमोरी मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। और व्यूवर्स को एक्चुअली शेयर करेंगे सारी चीजें कैसी हुई थी सारी चीजें। जो मयूर स्पोर्ट्स है, राजू भालेकर जो ओनर है, वो पहले टूर करते थे मयूर स्पोर्ट्स के नाम पे, कुडाल विडाल मालवन कोकण साइड में टूर करते थे, क्योंकि उनका गांव था वो, तो उधर टूर करते। तो हम बेलगम में खेल रहे थे, बेलगांव में, बेलगांव खेल रहे थे। तो राजू भाई बोले करके मैच है इधर, हम दो मैच जीत चुके हैं, तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल है, तो आप आओगे क्या? तो मैं वहाँ पर बेलगांव खेल रहा था, तो बेलगांव में मैं था, रंजीत भाई थी उर्फ चक्र है, वो था मेरे साथ, अनिल माने और शाहिद शेख, ये चार जन थे। हम खेल रहे थे सेमीफाइनल, हम हार चुके थे, तो राजू भाई ने बोला करके आप आ जाओ चार जन, क्योंकि मेरे प्लेयर नहीं है। और एक दिन पहले कुड़ाल का टूर्नामेंट, सचिन कदम और ओमकार देसाई, ये दो दिग्गज प्लेयर वहाँ खेल के जा चुके थे राजू मयूर स्पोर्ट्स के टीम में। तो खेला, वो गया वहाँ, हम सुबह पहुंचे टाइम पे, चार क्वार्टर फाइनल का पहले मैच जीते, सेमीफाइनल भी जीते हम गोवा के अगेंस्ट, और फाइनल में यानी कि वहाँ की सबसे टफ टफ टीम वो टाइम पे, कोल्हापुर की टीम, यानी कि मिक्स, सब सब अव्वल प्लेयर, एक दर्जेदार प्लेयर। तो टाइम पे ऐसा था कि फाइनल मैच था, और बड़ी टूर्नामेंट छोटी टूर्नामेंट थी, और फाइनल मैच था। फाइनल मैच को कुडाल के जो पब्लिक थे, इतने पब्लिक थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, और वो इनिंग कभी मैं भी नहीं भूल सकता, और मेरे मयूर स्पोर्ट्स के जो ओनर है राजू भाई, वो भी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो मैच में 8 ओवर का मैच था, उस 98 हमने किए थे पहले फर्स्ट बैटिंग में, उसमें 22 बॉल 76 रन कुछ मैंने, मेरी इनिंग थी वो, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो फाइनल भी हम जीत चुके थे, और मोस्ट की बात है कि वो टाइम पे मैं 2 ओवर बॉलिंग भी डालता मीन्स नो डाउट मीन्स ये भूलने वाली चीज ही नहीं है। तो ये था। तो हो गई मीन्स आपकी मेमोरेबल इनिंग। कोई ऐसी इनिंग है आपके लाइफ में जो मीन्स क्लोज आके आप एकदम हार गए हो, मीन्स आंख भर जाता, क्योंकि जो एक प्लेयर का पूरा इमोशन जुड़ा रहता क्रिकेट खेलने के टाइम पे, तो ऐसी कोई इनिंग है मीन्स क्लोज आके आप हार गए हो, मीन्स रात भर नींद नहीं आई हो आपको। एक्चुअली मेरा बॉक्स का टूर्नामेंट का था,
वो दिन कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि वाई कट्टा बहुत नामचीन टूर्नामेंट है, आपको भी पता रहेगा वाई कट्टा। वो जो टूर्नामेंट है वो मैं कभी भूल नहीं सकता वो टूर्नामेंट, क्योंकि वो ग्राउंड ऐसा है उधर खाली बस बैट से रन है, 22 लेग 22 कुछ नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ हम 5 ओवर में 54 चेस कर रहे थे, फिफ्टी फोर चेस हाँ 5 ओवर 54 चेस करना बोले तो डिफिकल्ट हो ग्राउंड पे, चेस ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ का ऐसा 32-33 रन बन गया, बॉलिंग अच्छा था तो जीत जाते हैं। वहाँ 54 रन चेस करना बोलेगा तो डिफिकल्ट था वो, और वहाँ पर हम लोग 54 चेस करते हो आ गए। मेरे साथ तो पप्पू घनश्याम शिंदे वो बैटिंग कर रहे थे, और 9 बॉल कुछ 22 या कुछ तो चाहिए था, तभी मैंने 3 बॉल 3 बाउंड्री मारा था, तभी 6 बॉल कुछ 14 कुछ चाहिए था, 12 या 14 चाहिए, तो पप्पू ने भी कंटिन्यू 2 बॉल 2 चार मारा, और 4 बॉल 6 चाहिए था क्या, हाँ सॉरी 3 बॉल 6 चाहिए था, 3 बॉल 6 के टाइम मैं आउट हो गया। हाँ तो आउट हो गया तो वो जरा बहुत ये हो गया था मुझे, क्योंकि और क्वार्टर फाइनल का मैच था वो, उसके बाद सेमी था, तो बहुत दिल को लगा था वो बात। पब्लिक पब्लिक बोल रहे, अपना सब असफा के प्लेयर भी बोल रहे थे, क्या वो क्या किया क्या किया कैसा किया, 3 बॉल 5 चाहिए था क्या। मैं बोला अरे अभी हो गया, अभी क्या करूँ, तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो गया था कि मैं कर नहीं पाया वो, बस वही एक ये रह गया बस, बाकी और कौन सा टूर्नामेंट तो याद ही है, वो टूर्नामेंट मेरे दिल याद ही है पूरे, वो कभी भूलने वाला नहीं हूँ। और मीन्स अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, मीन्स लाइफ ही हुआ है कि अप्स एंड डाउन आते हैं। आगे बढ़ते हैं सारे क्वेश्चन को लेके। देखिए मीन्स एक प्लेयर के लिए प्राइज मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लेयर अपना घर बार छोड़ के 10-10, 20-20 दिन के टूर पे आता है, कहीं पे रात रात भर घर के बाहर होता है, तो प्लेयर्स के लिए प्राइज मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? बहुत प्ले करता है, आपको भी पता है कि बहुत सारे क्रिकेटर लोग का घर शायद से क्रिकेट से ही चलता है, क्रिकेट से चल रहा है। अच्छी तरह क्रिकेट से चलता है, तो उनको वैसा परफॉर्म भी करना पड़ता है, तो वैसा उनको ये होता है, तो प्राइज मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं, हर 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 एक प्लेयर के लिए, कोई छोटा प्लेयर हो बड़ा प्लेयर हो सब सबको इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट आप अगर अच्छा खेलोगे तो आपको जाके वो प्राइज मनी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दिया आपने। देखिए मीन्स अभी सबसे लॉयल प्लेयर कौन सा है आपके हिसाब से, मीन्स जो अपने टीम को कभी छोड़ के नहीं, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट जितने भी लेजेंड्स है सबके साथ में खेला हुआ है, इंक्लूडिंग टर्फ क्रिकेट, मिट्टी क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट, तो सबसे लॉयल प्लेयर आपके हिसाब से कौन है और क्यों? बॉक्स क्रिकेट में बोलूँ तो लॉयल प्लेयर मेरे असलफा में सभी प्लेयर है, अभी हाल 15-16 साल से शायद मैं बॉक्स क्रिकेट खेलता हूँ, तभी से मैं देखा है, मैं सचिन राणे जो मेरी टीम के कैप्टन है, प्लस हो गए दीपल शाह जिनको पच्ची बोला जाता है, पराग शिंदे, पराग शिंदे ये है, ऐसे 4-5 प्लेयर है जो लॉयल प्लेयर है जो हमारी टीम को कभी छोड़ के जाएंगे नहीं, तो क्योंकि ये असल में बहुत प्लेयर आए बहुत प्लेयर गए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोड़ के जाएगा हमारी टीम में ये 4 4 दिन के जो ऐसे। देखिए मीन्स अभी टेनिस क्रिकेट में आपका रोल मॉडल कौन है, किसको आप फॉलो करते हैं, किसकी बैटिंग देखना, किसकी बॉलिंग देखना आपको ज्यादा पसंद है? एक्चुअली मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तो मैं एवन भांडुप से खेलता था, इधर एक टीम थी एवन भांडुप करके, तो उन हमारे टीम में पहले आते थे राजेश गोयल जो कांटा राजू के नाम से पहले थे, वो मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है, रिवर्स रिवर्स यानी कि वो मेरे रोल मॉडल वही है, क्योंकि उनको देख के मैंने क्रिकेट बहुत अच्छा चालू किया, मैंने यानी कि उनको देख के बहुत कुछ सीखा है, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है मुझे। सैंडी जी, जैसा देखिए मीन्स बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि जब सेमीफाइनल पे जब टीम पहुंचती है तो सामने वाला पैकर, कैप्टन या फिर ओनर, जो बेस्ट प्लेयर रहता है उनको खरीदने की कोशिश करते हैं उन लोग। जैसे कि अभी अंकुर जी ने हमें इंटरव्यू दिया था, जो कि इंडिया के कैप्टन टेनिस क्रिकेट का अंकुर सिंह, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने सारी चीजें बताया था कि मीन्स एक राइजन दिन कप था वहां पे, वो मीन्स टूर्नामेंट खेल रहे थे जहाँ पे फर्स्ट प्राइज ही 2 लाख रुपया था, लेकिन उनकी टीम को हारने के लिए सामने वाले 5 लाख रुपीज ऑफर किए थे। तो ऐसा कभी आपके साथ में हुआ कि सामने से कोई पैकर ओनर या फिर कैप्टन आके बोला भाई इतने पैसे ले ले और तुम्हारी टीम को हरवा दो, मैं तो ऐसा कुछ मैच फिक्सिंग के टाइम पे ऐसा कुछ बोला रहेगा आपको? बोला तो बहुत कुछ है बट वैसा मैंने कभी किया नहीं है, ये कुछ बहुत बार मेमोरी हुआ शेयर है। करेंगे, वो कैसा हुआ था सारी चीजें, नाम मत बताइए लेकिन कुछ शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? एक टूर्नामेंट था वो, एक्चुअली वो सामने वाला टीम भी
मेरे तो पैकर भी बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा। बोला अरे ऐसा ऐसा है ये, मैं बोला करके वो सब, अरे बोला दादा मैं करता है ये सब चीज आपको भी पता है। तो टाइम पे मैं बोला अरे तो बहुत बहुत कुछ बोला, बट मैं बोला नहीं दादा। और वो मैच में मैंने बैटिंग किया, तो वो मैच में कुछ 30+ रन मैंने किया था। तो बाद में बाहर आके मेरे को बहुत बोल रहा था अरे ऐसा है। बोला दादा बाकी तो दोस्ती अपनी जगह पे, क्रिकेट अपनी जगह पे। बोला एग्जैक्टली बहुत अच्छा आंसर था। क्रिकेट क्रिकेट के अंदर अपना क्रिकेट दोस्ती नहीं है, क्रिकेट के बाहर तो आप बोलो अपना दोस्ती है, आप जिधर बोलो उधर आपके लिए आएगा। बट क्रिकेट के अंदर मैं क्रिकेट खेलता हूँ बस, या फिर मैं परफॉर्म करने दूँ या ना करने दूँ, मैं क्रिकेट क्रिकेट की अपनी जगह पर। ओके देखिए मीन्स एक सिद्धि पैकर का मीन्स टूर्नामेंट होता है और मीन्स उसको वर्ल्ड कप बोला जाता है बॉक्स क्रिकेट क्रिकेट का, तो उसके बारे में कुछ मेमोरी शेयर करेंगे, उसमें भी आपने बहुत बारी अच्छा परफॉर्म किया। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैं सिद्धि पैकर खेल रहा था, तब मैं अनिकेत करके टीम है कांजुरमार्ग की, वो टीम में फर्स्ट टाइम खेलने गया था मैं वहाँ पर। और फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था कि सिद्धि पैकर क्या, कौन सा टूर्नामेंट है, खाली नाम सुना था, बहुत सुना था। फर्स्ट टाइम मैं खेलने गया था वहाँ पर, फील्डिंग प्राइज मिला था मुझे, तो बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद में डायरेक्ट सीधा फिर मैं वो टूर्नामेंट असलफा पैकर में से खेला, और असलफा पैकर ने इतनी बार वो टूर्नामेंट मारा है ना कि किसी ने मारा भी नहीं रहेगा, इतने साल इतने बार ओके टूर्नामेंट मारा को। तो बहुत अच्छा लगता है उधर खेलने के लिए वो ग्राउंड पे। ओके सैंडी जी देखिए आई मीन्स अभी एक टीम है जॉर्ज 11 करके, उनको मीन्स सिद्धि पैकर के टूर्नामेंट से बैन करके रखा हुआ है, क्योंकि और वो भी मीन्स एक देखिए आई मीन मुंबई साइड में मीन्स टॉप 3 के टीम में उनका भी एक नाम आता है जॉर्ज 11 का, तो कुछ बोलना चाहेंगे जॉर्ज 11 के बारे में कि उनको वापस से वो सिद्धि पैकर का टूर्नामेंट खेलने देना चाहिए ये प्लेटफॉर्म के थ्रू? एक्चुअली उनको शायद से 1 या 2 साल बैन किया था, ये साल अभी भी उनको बैन करके एंट्री रखा था। उनको। नहीं, ये मैंने पूछा उनके बाकी प्लेयर लोगों को तो खेलने दे रहे हैं वहां पर, खेले भी है बाकी के क्योंकि प्लेयर लोग। सैंडी अभी रोहन चिले आए थे हमें इंटरव्यू देने के लिए, अभी हाल ही में आए थे, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मीन्स हमारा जो टीम है उसको बैन किया हुआ है और मीन्स उनको हटा दीजिए, मीन्स बैन हटा दीजिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, और आप अगर उनके लिए अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज होगी वो। ठीक है, मैं बात कर लूंगा जो भी है सिद्धि पैकर के जो है उनसे, मैं बात कर लूंगा, उनको बैन हटाने को बोल दूंगा बस। ओके एग्जैक्टली और क्या करूं। बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे यहाँ पे सैंडी जी। सैंडी जी देखिए मीन्स अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप किसी को फॉलो करते रहेंगे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका रोल मॉडल कौन है? बचपन से सचिन, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, उनको ही नो फॉलो डाउट करता हूँ मैं। तेंदुलकर नो डाउट, तो कुछ क्वालिटी उनसे ली है आपने अपने अंदर सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी? एक्चुअली कैसे, मैं ज्यादा लेदर खेला नहीं हूँ, बट टेनिस खेला हूँ, उनके ऐसा बनने का कोशिश करता था बट नहीं बन सकते, वो है। तो उनका जो है, उनके ऐसा खेलने का सोचे मगर उनके ऐसा कोई नहीं खेल सकता, ओके तो देखिए उनकी सचिन क्वालिटी तो तेंदुलकर मतलब बहुत ही अलग। पेशेंस रहता था, बहुत ही लॉयल रहता था अपने गेम को लेके, कभी भी अगर उनका एज लग गया तो अंपायर नॉट आउट देता था लेकिन वो ग्राउंड छोड़ के चले, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था, तो कुछ वैसी कुछ क्वालिटी लिया आपने अपने अंदर, जैसे कि आपने बताया मैच फिक्सिंग के लिए आपको पूछने आए लेकिन आपने डायरेक्टली मना कर दिया और मीन्स आपने उसमें वो मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वैसी कुछ क्वालिटी लिया आपने अपने अंदर? हाँ, वो एक्चुअली वो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट है मेरे इसमें, जब भी बैट पे एज भी लगा रहता है तो एम्पायर अगर आउट भी नहीं दे रहेगा तो भी निकल जाता हूँ मैं। अगर भाई डिसीजन के बारे में कुछ होता है तो फिर जो लॉयल है फिर मैं निकल जाता हूँ, मैं ऐसा रुकता नहीं हूँ ग्राउंड पे, तो वो एग्जैक्टली एक एक क्वालिटी है मेरे में। ओके देखिए हम जैसे क्रिकेट की बात है तो स्लेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो स्लेजिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? कभी आप स्लेजिंग करते हैं या फिर आपके साथ में कोई स्लेज करता है? मेरे साथ भी स्लेज किया है और मैंने भी स्लेज किया है बहुत जन को, ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्रिकेट में तो वो चलते रहता है, स्लेजिंग होते रहता है, क्योंकि सामने वाला आपको भी पहचानता है इसलिए आपको स्लेज करता है, और मैं भी सामने वाले को पहचानता हूँ तो मैं स्लेजिंग करता हूँ, तो चलते रहता है क्रिकेट में। और उसमें अगर कुछ हो गया तो फिर या वो आउट हो जाता है स्लेजिंग करने में, या हमको वही चाहिए रहता है, अगर वो आउट हो गया तो अच्छा है, नया आउट हुआ तो फिर जाहिर सी बात है हम लोग मैच हार ही जाएंगे, फिर ऐसा वो परफॉर्म करता है। देखिए मीन्स कभी कभी हम प्लेयर को स्लेज करते हैं तो वो चीज हमारे ऊपर ही भारी गिर जाती है, तो ऐसा कभी आपके साथ में हुआ कि आपने कोई प्लेयर को स्लेज किया मीन्स बैटिंग करते हुए और वही चीज आप पे भारी गिर गई हो? हाँ, हुआ है बहुत बार हुआ है। ये ओके एक किस्सा बहुत बहुत बड़ा किस्सा है, आतिश के दर को मैंने किया था, उसके बाद में जो बैटिंग किया आतिश ने, बहुत डेंजर बैटिंग किया था, वो मैच हम लोग हार गए थे। ओके नो डाउट देखिए मीन्स आपको कोई स्लेज किया हो और फिर आपने मीन्स मुंह से बोलने की जगह आपने बैट से उसको आंसर दिया हो, ऐसा कभी किया आपने?
बहुत बार किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। कुछ याद नहीं है, बहुत पहले की बात है शायद से, ये कुछ 2009-10 की बात है। क्योंकि मैं ज़्यादा मुँह से बोलता नहीं हूँ, मैं बोलूँगा तो फिर बोल लेता हूँ, नहीं तो फिर चुपचाप ही खेलते रहता हूँ ऐसा। तो मैंने बहुत बार किया ये, बैक से बोला हूँ और बाद में सामने से आके वही पब्लिक ने हाथ भी मिलाया और वेल प्लेट भी बोल के जा चुके हैं। देखिए मीन्स जैसे मीन्स आपने बहुत सारे प्लेयर्स को चांस भी दिया, ये मेरे सोर्सेस से मुझे पता चला है कि मीन्स आप प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट भी करते हो, बहुत सारे प्लेयर्स को खेलने के लिए चांस भी देते हो, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में कैसे है कि मतलब मैं वो लेवल पे तो पहुंच जाऊँ, मेरे जो पीछे जो प्लेयर्स है उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो वो सारी चीजें बताएंगे बहुत सारे प्लेयर्स को आपने चांस दिया खेलने के लिए। एक्चुअली चांस बोला तो कैसा है, अभी जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। अच्छा, अभी मेरे टाइम पे मैं परफॉर्म करता था तो मेरे को भी सब बोलते थे करके ऐसी बिंदास खेल, ऐसा खेल। तो मैं भी जो मुझे मेरे लेजेंड प्लेयर ने भी बोला है कि ऐसा कर, तो मैं उनको फॉलो करके बाकी सबको भी बोलता हूँ। ओके तो प्रेशर मत लेना, बिंदास खेलना, जो तेरा गेम है वही खेलना। बस मैं सपोर्ट करता हूँ खाली प्लेयर लोग को कि अभी कैसा, अभी मैं नहीं खेलूँ तो मेरे पीछे जो भी बैट्समैन है वो खेले। अगर ओके उनको अगर पहले से अगर प्रेशर दे दिया कि बाबा तेरे को ये करना ही है, वो करना है, तो और डबल प्रेशर में, क्योंकि पहले से प्रेशर में रहता है। कोई अच्छी टीम में खेलता है, वो अच्छी टीम में पहले ही खेल के उसको प्रेशर रहता है। और प्रेशर देना बोले तो नहीं, उसको आराम से समझाने के बाद तेरे को तेरा जो गेम है वही खेलना, बाकी कुछ करना नहीं। ओके बस बाकी जो होगा वो मैच हारे के जीते बात का बात है, मगर जो प्रेशर मत लेना। प्रेशर लेके खेलेगा तो बैटिंग वेटिंग बॉलिंग वॉलिंग कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रेशर वो प्लेयर का प्रेशर हटा देने का सबसे एग्जैक्टली पहली बात, बस और कुछ नहीं। बहुत ही अच्छा आप सजेशन देते। अगर असलफा की टीम को छोड़ के अगर आपको दूसरी की टीम दूसरी कोई टीम में खेलना हो तो वो टीम कौन सी होगी और क्यों? एक्चुअली असलफा को छोड़ के मुझे दूसरी टीम बोलेगा तो मेरी भांडुप की टीम है ओके KP9 करके, मुझे वो टीम में खेलने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ओके वो सब मेरे भांडुप के प्लेयर है। और अभी का जो क्रिकेट चालू है वो हिसाब से तो स्टेशन वाइड क्रिकेट बहुत हो रहा है, बॉक्स क्रिकेट में। बहुत ज्यादा। हाँ तो मोस्टली तो मैं फिर भांडुप भी प्रेयर करूंगा, क्योंकि और मैं भांडुप का रहने वाला हूँ, तो मैं KP9 में मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलने। ओके देखिए अभी सारे ऑलमोस्ट जितने जो टूर्नामेंट्स होते हैं सारा टूर्नामेंट जो एक प्लेयर का ड्रीम होता है 10 PL खेलना, आपने 10 PL भी खेला हुआ, तो अभी और कोई टूर्नामेंट खेलने का आपको ड्रीम है बॉक्स क्रिकेट में भी और टेनिस क्रिकेट में भी? सारे टूर्नामेंट तो आपने खेल ही लिया है। सब टूर्नामेंट तो खेल लिया, कौन सा टूर्नामेंट बचा नहीं है। खाली एक गोवा का टूर्नामेंट बचा है, खाली सांगे प्रीमियर लीग होता है वो मैंने कभी नहीं खेला है। ओके और वो खाली एक ख्वाहिश रह चुकी है वो खेलने का, बस वो एक टूर्नामेंट। बाकी बॉम्बे का कोकन का सब टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। बस सारे टूर्नामेंट खेला नो डाउट। तो गाइस आप लोग कहीं जाओ मत, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम सैंडी जी के साथ में, और सैंडी जी इसके अंदर बेसिकली मैं आपको सिचुएशन दूंगा और सब क्वेश्चन का आंसर आपको देना एकदम कंपलसरी है, आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, अगर अंकुर सिंह को अगर कैप्टेंसी से हटाया जाए तो ये 3 प्लेयर में से आप किसको कैप्टन बनाएंगे और क्यों? सबसे पहला नाम है उस्मान पटेल, ओमकार देसाई, थर्ड नेम है उमर खान, ये 3 में से किसको कैप्टन आप बनाना चाहेंगे इंडिया का? इंडिया का जी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखना प्लेयर वाला स्किप नहीं कर चाहूँ। सकते आप। एक्चुअली मेरे दो नाम है, वो दो नाम मुझे सजेस्ट, एक ही नाम आप दोनों ले सकते हो यहाँ पे, इसलिए मैं बोला आप स्किप नहीं कर सकते क्वेश्चंस। नाम एक्चुअली प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली दो नाम तो मेरे दिमाग में, अगर आप बोल रहे हो एक नाम तो फिर मैं ओमकार देसाई का लूंगा, क्योंकि कैसा मेरी टीम का प्लेयर है और मेरी टीम में भी वो कैप्टनशिप करता है, और कैसा सबको लेके चलने वाला प्लेयर है वो। और मोस्टली तो मेरे ख्याल से सब जगह, मोस्टली बहुत जगह कैप्टनशिप उसने कर चुका है और बहुत सारा क्रिकेट खेला है वो भी। तो मैं एक्चुअली ओमकार देसाई चूज का करके नाम लूंगा। ओके सेम आंसर अंकुर सिंह ने भी मुझे दिया था और उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये 3 प्लेयर का मैं आपको नाम लूंगा, एक प्लेयर को आपको अपने टीम में खिलाना, एक प्लेयर को बेंच पे बिठाना और एक प्लेयर को आपको एमर्जिंग का मीन्स अटैक देना है, ठीक है? सबसे पहला नाम उस्मान पटेल, सेकेंड नेम है अगेन ओमकार देसाई, थर्ड नेम है अगेन उमर खान, इनमें किसको आप अपने टीम में लेंगे, किसको बेंच पे बिठाएंगे, किसको एक एमर्जिंग का अटैक देंगे, होल्ड पे डालेंगे? एक्चुअली ओमकार देसाई का नाम लूंगा मैं,
क्योंकि वो ऑलराउंडर प्लेयर है, वो ओके उसको टीम में खिलाऊंगा। ओके, होल्ड पे कौन रखना और होल्ड पे एक्चुअली देखना है तो सभी सभी प्लेयर लेजेंड है, कोई तो लेजेंड है ऐसा पूरा? कोई तो बेंच पे बैठेगा नहीं और कोई होल्ड रहेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम कि नाम तो लेना ही पड़ेगा, आपने पूछा नाम है दे, तो। जी, नाम लेना ही पड़ेगा। देखो अभी कैसा, उमर भाई का नाम लूंगा मैं, क्योंकि होल्ड पे वो होल्ड पे अभी क्या है, नाम तो लेना ही है अभी, किसका नाम अभी ओके, बुरा तो लगेगा उनको करके मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन है तो उसका जवाब तो देना ही आंसर देना पड़ेगा। पड़ेगा। जी, तो सॉरी बेसिकली उमर भाई, आप सॉरी उमर भाई और उस्मान भाई। तो आप बेसिकली देखा तो ओमकार देसाई को अपने टीम में आप ले रहे हो, उमर खान को आप होल्ड पे डाल रहे हो, और उस्मान पटेल को आप बेंच पे बिठा रहे हो, जो कि एक लेजेंड है उस्मान पटेल, लेजेंड प्लेयर। लेजेंड प्लेयर, नो डाउट। आगे बढ़ते क्वेश्चंस को लेके, तो बेसिकली ये जो राउंड है, ये राउंड में आपको एक अच्छी क्वालिटी बतानी है प्लेयर्स की, एक बुरी क्वालिटी बतानी है, ठीक है? तो सबसे पहला दीपू, दीपू की एक अच्छी क्वालिटी क्या है, एक बुरी क्वालिटी क्या आपके हिसाब से? अच्छी क्वालिटी तो उसका गेम, जो गेम है उसका तो नो डाउट, उसके तो सैल्यूट है उसको। और बुरी क्वालिटी ऐसा है कि वो बहुत सारे मैच स्किप करता है, ओके, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, और बहुत सारे व्यूवर्स को क्योंकि पता चला कि ये मैच स्किप करते हो, एक बुरी क्वालिटी है। ओके मैच एक्चुअली मैच बहुत ज्यादा स्किप करता है, अपनी टीम को हाँ बोलता है और आता नहीं है, क्योंकि बहुत बार असलपा में भी हो चुका है ये, तो उसके वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि बुरी क्वालिटी, बस जी बाकी और जी कुछ। जी देखिए सेकंड नेम है दीपल शाह, इनको अब इनकी एक अच्छी क्वालिटी, एक बुरी क्वालिटी क्या आपके हिसाब से? अच्छी क्वालिटी बोले तो बैटिंग ऑलराउंड परफॉर्मर है, और बुरी क्वालिटी बोले तो बहुत लेजी है, बहुत लेजी है ऑन फील्ड, बहुत लेजी लेजा रहता है, बट फील्डिंग बहुत सॉलिड करता है। मुझे कभी कभी लगता है लेजी प्लेयर है हम लोग की टीम में का वो, बट बहुत ओके डेंजर प्लेयर है। थर्ड नेम है रोहन चिले, जो कि मीन्स जॉर्ज लाइव के कैप्टन है, उनकी अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी है, क्योंकि आपने पर्सनली खेला हुआ उनके साथ? एक्चुअली उसकी बुरी क्वालिटी तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने कभी उनको कभी किसी प्लेयर को कुछ बोलते हुए नहीं देखा है, कभी किसको कुछ नहीं बोलते हुए देखा है, सुना नहीं है कभी, तो वो अपना एक आते अच्छी हैं गेम क्वालिटी हो गई खेलते वो, हैं। कि वो बुरी कोई क्वालिटी तो प्लेयर कोई मैंने बोलते आज नहीं। तक मैंने देखा ही नहीं उसको, कुछ मैंने देखा ही नहीं उनके क्या बुरी क्वालिटी ये है कुछ नहीं, वो मैंने उनको देखा भी शांति रहते, आते अपना गेम खेलते हैं, बैटिंग करते, कीपिंग करते, बस निकल जाते, बाकी और कुछ नहीं। मेरे को तो बुरी क्वालिटी चाहते मैंने मैंने अभी तक नहीं देखा उसमें। ओके ओके हम लोग वो प्लेयर को आपको एक सजेशन देना है क्रिकेट को लेके, कैसे उन वो अपना गेम इम्प्रूव करे, ऐसा आपको एक सजेशन देना है, ठीक है? फर्स्ट नेम है शाहनवाज खान, जो कि मीरा भाईंदर में मीन्स बहुत बड़ा नाम है, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बट सजेशन देना तो बहुत ऑलराउंडर प्लेयर है, इंटरम का यानी वो मिट्टी क्रिकेट भी खेलता है और टर्फ क्रिकेट, तो मिट्टी से अच्छा टर्फ खेलता है वो, जी, तो उसको सजेशन ये देना चाहूंगा टर्फ क्रिकेट में कि बॉल लॉट ज्यादा मत खा, सिंगल्स चालू रख, सिक्स तो कभी भी मार सकता है, क्योंकि मैं ऑल मॉन्स्टर में मैं भी खेलता हूँ और वो भी ऑल मॉन्स्टर में खेलता है, तो मोस्टली ज्यादा करके वो सिंगल ले नहीं पाता ज्यादा, मैंने उसको देखा है कि वो सिक्स मारता है, सिक्स कंटिन्यू, तीन बॉल तीन से एक, छह बॉल छह सिक्स भी मार सकता है ऐसा प्लेयर है, बट वो सिंगल ले नहीं पाते जल्दी, मैंने देखा है उसको, तो सिंगल लेना इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में। ओके, बहुत ही अच्छा आपने सजेशन दिया, होप सो शाहनवाज खान ये सजेशन पे थोड़ा वर्कआउट करे। सेकेंड नेम है आकाश गौरव, इनको क्या सजेशन देंगे, जो कि बाली के नाम से जाने जाते हैं? बल्ली 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 एक्चुअली बल्ली बल्ली उसको बोलूंगा बॉलिंग में ज्यादा ध्यान दे, बैटिंग तो नो डाउट ये साल तो बहुत ज्यादा ही फॉर्म में जाओ, तो बॉलिंग का बोलूंगा क्योंकि मैं लास्ट चार पांच टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं कामोटे सत्यविनायक में, तो टीम में वो बॉलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा बॉलर है वो, एक्स्ट्रा बहुत डालते हैं वो, क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि चार पांच टूर्नामेंट में खेल चुका हूँ, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा डाला और एक्स्ट्रा की वजह से मैच हार रहे थे, तो ओके उसके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहिए एक्स्ट्रा पे और कुछ नहीं। ओके थर्ड नेम है यतिराज देवरू के, इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? बाबू के नाम से जाने जाते हैं यतिराज एक्चुअली देवरू के। बहुत एग्रेसिव प्लेयर है वो, उसके बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर है,
उसको मैं यही बोलना चाहूंगा कि एग्रेसिव मत खेल, कूल खेल, ठंडा खेल, क्योंकि एग्रेसिव खेलने के चक्कर में उसने बहुत मैच हराया है, हमको भी हराया है, उनको भी, वो सामने अभी सामने की टीम में तो वो भी हारे, तो एग्रेसिव मत खेल बहुत, तो यानी कि एकदम कूल खेल, कि ओके जब तक कैसा है जब तक तू खेलेगा तो तेरी टीम को तेरे पर भरोसा है कि तू कुछ भी करेगा, तो एग्जैक्टली एकदम कूल बैटिंग कर जब भी कोई भी बैटिंग कर, क्योंकि मैंने उस बहुत बार देखा है वो डबल ट्रबल में बहुत बार आउट हो चुके हैं, और डबल ट्रबल हमको से किया भी हमारे लिए, पर डबल ट्रबल में बहुत बार आउट चुका, तो गलती वो बार बार ना कर बस। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं राउंड को लेकर। बेसिकली मैं इसके अंदर मैं आपको तीन नाम लूंगा, तीन नाम में से आपको एक चूज करना है कि बॉक्स क्रिकेट का किंग कौन है आपके हिसाब से। ये तीन में से सबसे पहला राहुल सुरवाड़े जो कि लेबो के नाम से जाने जाते हैं, सेकंड नेम घनश्याम शिंदे, थर्ड नेम अगेन दीपल शाह। ये तीन में से बॉक्स का किंग कौन है आपके हिसाब से और क्यों? एक नाम खाली आपको चूज करना है। एक्चुअली मैं घनश्याम शिंदे का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले से खेलते हुए देखा है, जब मैं थाना खेलता था तभी से वो खेलते हुए देखा हूँ, और वो बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है और जिद्दी प्लेयर है, गट्सी प्लेयर है, तो मैच छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं 8-10 साल मैं भी साथ में खेला हूँ और टर्फ क्रिकेट भी साथ में खेल रहा हूँ उनके, तो बहुत ही डेंजर प्लेयर है, ऑलराउंडर परफॉर्म प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से वो है। तो गाइस ये थे हमारे साथ में सैंडी आचरेकर। तो सब बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर दिया हमें सैंडी भाई। जाते जाते मीन्स जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप क्रिकेट को लेके? क्रिकेट को एज अ करियर चूज करना चाहिए कि जस्ट एज अ पैशन चूज करना चाहिए? क्रिकेट एक्चुअली करियर तो चूज मत करो, क्योंकि वो पैशन के हिसाब से खेलो, क्योंकि आज के डेट पे जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। जॉब जॉब करके आप कुछ भी कीजिए, आपके घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि घर वाले पहले बोलते हैं जॉब सिक्योर कर, उसके बाद में तेरे को जो करना है वो कर, क्योंकि घर वाले फैमिली बोलेंगे आपके करके, तो जॉब कर उसके बाद में तो कुछ भी कर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे जॉब जॉब सिक्योर कर पहले, बस यही बोलना चाहूंगा अभी के यंग प्लेयर लोग को, खास करके यंग प्लेयर लोग को बोलना चाहूंगा, पहले जॉब अपना सिक्योर करो, उसके बाद में जो भी करना है पैशन के लिए क्रिकेट खेलो, ऐसा ये नहीं कि मैं खाली ये करके ये करूंगा, एक टाइम तक क्रिकेट ठीक है, उसके बाद में कुछ मतलब नहीं है क्रिकेट का, क्योंकि एक टाइम तक ही क्रिकेट है बस। ये पेज के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो राय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पेज के लिए, क्योंकि 21 साल का आपको एक्सपीरियंस है। एक्चुअली अभी ये पेज बहुत जन का इंटरव्यू मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू आपका, बहुत लेजेंड प्लेयर लोग का भी इंटरव्यू हो चुका है ये पेज पे, जी और बहुत बॉक्स के प्लेयर का भी हो चुका है, टर्फ के प्लेयर का भी हो चुका है, टर्फ के ओनर का भी हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने ये पेज पे इंटरव्यू दिया, और थैंक्स कहूँगा आपको और रोहन नायक और बाबा को, जिन्हें जिन्होंने मेरा नाम चूज किया ये इंटरव्यू के लिए, उसमें थैंक बोलना चाहूँगा आपको। थैंक यू सो मच सैंडी जी, आप हमारे साथ में जुड़े। ऑलमोस्ट जितने भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी भी हम लोगों ने राय लिए, आपकी मेमोरेबल इनिंग भी पूछे, और जो आपका जो ड्रीम है, ड्रीम टूर्नामेंट का नहीं बोल सकते कि ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट तो आपने खेला हुआ है। ऐसे आप खेलते रहिए और ऐसे इंडिया का नाम आगे बढ़ाते रहिए, और होप सो जो आपका जो ड्रीम टूर्नामेंट है गोवा, बहुत जल्दी मैं देखूँ कि गोवा का टूर्नामेंट भी आप खेले। थैंक यू सैंडी जी, बाय बाय। बाय बाय।